क्या राजस्थान सीएचओ की जो रिज़ल्ट है क्या वो 3 से 4 महीने और डिले हो सकती है या नहीं हो सकती, ये एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों कल कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आ पाई जिसमें कि अब यह कहा जा सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो परिणामे हैं उसे निकालने में और भी विलम्ब हो सकता है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी निर्णय पिछले सरकार ने लिए थे उन सभी निर्णयों पे वो सफलतापूर्वक खड़ी नहीं हो पाई। अब राजस्थान के अंदर नई सरकारें हैं, अब उनका क्या पैटर्न है रिज़ल्ट को लेकर, भर्तियों को लेकर, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। पर दोस्तों इस पैटर्न पर अगर नई सरकार चलेगी तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो परिणामे हैं उसे आने में कम से कम 2024 के आप सभी मार्च या अप्रैल भी लग सकते हैं आप सभी के परिणामे जारी होने में। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि दैनिक भास्कर की अपडेट है, क्योंकि अब जो नई सरकारें हैं उन्होंने यहाँ पर जो है पेपर लीक जांच को लेकर एक यहाँ पर जो है कमेटी की गठन की है, जिसका नाम दोस्तों SIT है। SIT में जितने भी पेपर लीक मामले को लेकर या राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर लीक माफिया हैं उन सभी पर यहाँ पर जो है पकड़ बनाने के लिए, उन सभी पेपर लीक मामले को लेकर कम करने के लिए यहाँ पर जो है SIT को बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर लीक जांच के लिए गठन SIT की लीड जी यहाँ पर लीड करेंगे। AD विकम सिंह आज जो है दिल्ली में इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है CM भजन लाल की बैठक भी है इन चीज़ों का मामलों को लेकर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसमें यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान में भजन लाल सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है एक्शन मोड में है, पेपर लीक माफियाओं को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है स्पेशल इंक्वायरी टीम SIT को यहाँ पर जो है जिम्मेदार यहाँ पर जो है AD जो है यहाँ पर VK सिंह को दिया गया है, जिसके निर्धारित यहाँ पर जितने भी हैं और इसी को बीच यानी कि दोस्तों 28 तारीख को शनिवार को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल यहाँ पर जो है कालरज मैथिंग की यहाँ पर मुलाकात भी इन चीज़ों को लेकर दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। तो यानी कि दोस्तों इन चीज़ों पर जो है पाबंदियाँ लगाने को लेकर हो सकता है कि जिस तरह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की SOG जांच कराई गई थी, जांच कर SOG ने अपने रिपोर्ट सौंपे थे पर बोर्ड कह रहा था कि अभी तक रिपोर्ट पूरे तरह से आई नहीं है जिसके कारण परिणामे नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों फिर से एक बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पेपर लीक मामले को उठाया जाए और उसकी जो है तत्काल प्रभाव से जो है जांच कराई जाए और जितने उसमें आरोपी हैं उन सभी को क्लियर कर फिर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो परिणामे हैं वो जारी किए जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर इस प्रोसेस से जो है नई सरकार काम करती हैं तो आप सभी की जो परिणामे हैं वो जारी होने में काफ़ी लंबा समय भी दोस्तों लग सकता है। पर दोस्तों अभी 28 तारीख को इसकी फाइनल मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या निर्णय आएगा वो मैं आप सभी को उस मीटिंग के बाद बताऊंगा कि वो क्या निर्णय आ रहा है, इस टीम की कैसे गठन होगी, क्या ये नई वैकेंसियों पर जितने पेपर लीक मामले को लेकर जो है रोक लगाई जाएगी या अभी तक जो वैकेंसी विवादित हैं उन सभी पर भी इन चीज़ों को गौरतलब किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।